आज हम बनाने जा रहे हैं गणेश जी की मूर्ति और यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए। आप देख सकते हैं सब बच्चे रेडी हैं अपने अपने गोले के साथ। कैसा लगा आपको गणेश जी बना के? और ये दोनों बच्चों ने बनाए हैं। दिस वॉज यू नो अपने आप में डिफरेंट चीज थी एंड थैंक्स अ लॉट टू HSS। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं गणेश जी की मूर्ति। गणेश जी की मूर्ति की वर्कशॉप है। बच्चे आर सो एक्साइटेड, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे इन अ वेरी इजी मेथड हम लोग गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी, सो लेट्स गो। ये वर्कशॉप हिंदू स्वयंसेवक संघ की ओर से आयोजित की गई थी। तो आ गए हैं हम वेन्यू में और यहाँ पर रजिस्टर करा रहे सब लोग अपना नाम। और इस लड़की ने अपना नाम तो लिख दिया था, अपने भाई का नाम लिखना भूल गई, जो बाद में मैंने जाके करवाया। और बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गणेश जी की मूर्ति बनाने का। और ये देखिए, ये है फाइनल गणेश जी जो कि हम सब बनाने वाले हैं। और यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए। और कमलेश जी और संगीता जी तैयारियाँ कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं अलग अलग मिट्टी है, ब्राउन कलर की मिट्टी है, वाइट कलर की मिट्टी है। और यहाँ पर हम लोग भी आ गए थे थोड़ा हेल्प कराने के लिए, तो हम लोगों ने गोले बनाए। और काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल था गोला बनाना, लेकिन वो ये है कि धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। देखिए मैं कितनी मशक्कत मुझे करनी पड़ी है गोला बनाने के लिए। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा रहा था, लेकिन बाद में थोड़ा काफ़ी इजी हो गया था। इनफैक्ट गणेश जी की पूजा के बाद अब बारी थी मूर्तियां बनाने की। आप देख सकते हैं सब बच्चे रेडी हैं अपने अपने गोले के साथ। और इसी गोले से, जी हाँ, इसी गोले से सुंदर से गणेश जी बनाए जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो गणेश जी को बनाने के लिए दरअसल तीन गोले मेन बनाने हैं। तो सबसे पहले बड़ा गोला बनाना है जो कि उनका पेट बनेगा। उसके बाद फिर उनके यू नो एक और छोटा गोला बनाना है, मिड लेवल का, मिड साइज का, जो कि उनकी चेस्ट बनेगी। और सबसे छोटा गोला जो कि उनका सर बनेगा। तो और उसके अलावा और भी छोटे छोटे गोले बनाने, जैसे कि दो पैरों के लिए मतलब सिलेंड्रिकल शेप बनानी है, दो हाथों के लिए, ईयर्स बनेंगे, सूंड बनेगी, लड्डू बनेगा। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। चलिए मैं आपको आगे आगे चल के दिखाती रहूँगी। You have to bend from the little top and attach. So this is the step 3. Listen everyone, please try. Okay, step 3. Okay, step 4. Take another gola. So now. Yes. Perfect. Yes. Number 1 for the hand.
hand. Two. Yes, one. मैं सबको तो अपने कैमरे के थ्रू दिखा रही हूँ बट अपने आप को नहीं दिखा रही, तो मैं सोचा मैं खुद भी आ जाती हूँ। ज्यादा रेडी नहीं हुई थी बट ठीक है, मैं ऐसी ही हूँ। तो व्लॉग बनाने के साथ साथ मैं भी बैठ गई बच्चों की हेल्प कराने के लिए, जैसे कि बाकी वॉलंटियर्स कर रहे थे। और बहुत ही इजी तरीके से गणेश जी बनाना सिखाया गया था, और ये बच्चा बहुत ही क्यूट है। इसके गणेश जी भी मैंने हेल्प की थी, तो ही इज़ हैप्पी कि इसके गणेश जी पूरे हो गए। और बाकी अभी मैं दूसरे बच्चे के गणेश जी, मतलब उसको बता रही हूँ कि कैसे कैसे उसको डिज़ाइनिंग करना है, डिज़ाइन बनाना है टूथपिक से, और उसके बाद फिर उसने डिज़ाइन किया था। तो काफ़ी इजी वे है, और ये है फाइनल वर्जन ऑफ गणेश जी जो हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें सिखाए थे। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही इजी तरीके से गणेश जी। और देखिए छोटे छोटे बच्चों ने बनाए हैं गणेश जी, कितने प्यारे गणेश जी बनाए हैं छोटी सी बच्ची ने, और सभी बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे गणेश जी बनाए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सबको कवर करूं, तो मैंने कोशिश की कि सभी। और ये देखिए कृष्ण ने स्वेज के साथ, स्वेज की हेल्प से गणेश जी बनाए, बट ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी। और स्वेजल ने भी खुद बनाए गणेश जी, और उसके गणेश जी भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये देखिए तो सभी, ऑलमोस्ट सभी के गणेश जी रेडी हो गए हैं। बड़ों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया था। ये देखिए स्वेजल के गणेश जी भी बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। मुझे तो ये वर्कशॉप अटेंड कर कर बहुत ही अच्छा लगा। आई होप कि सभी लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए जानते हैं बच्चों से कैसा लगा आज उन्हें। आई कैंट बिलीव कि मैंने गणेश जी की मूर्ति बनाई है, और मैं हर साल बनाऊंगी कि दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। It was very fun. It was a little hard, but it was a good learning experience. And it's very creative, and you should really try it. So, like, it's very hard to do these designs, but it's actually really fun to make these. I really enjoyed making this Ganesha. I feel like it was a good start. And it's a good way to be creative with the Ganesha thing. And it is going to help with the puja as well. So, win-win. Bishop, how you feel? How you feel? Exciting. कैसा लगा आपको गणेश जी बना के? अच्छा। बस ये लड़का तो कुछ नहीं बोलेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आगे और क्या क्या वर्कशॉप होने वाली है, जिससे कि आप लोग भी रेडी रहे अटेंड करने के लिए। Hi, yeah, this is a wonderful workshop for kids to making the Ganesha and let them know about our culture. And so this is the way they can, you know, we can keep them connecting with our roots, because we are far away from our country. And after this, we are going to for one more workshop for the Garba. So if you guys are interested for this, you can connect with us via Langley Nari Shakti group via WhatsApp or Facebook. Thank you. और ये दोनों बच्चों ने बनाए हैं गणेश जी। ये गणेश जी बनाए हैं स्वेजल ने, और ये गणेश जी बनाए हैं कृष्ण ने। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं घर पर, और आज बहुत मज़ा आया।
फर्स्ट टाइम ये ऐसा इवेंट हमने अटेंड किया था. आई मीन बच्चों ने तो वर्कशॉप या कोई भी कोर्स तो किए हुए, लेकिन दिस वाज यू नो अपने आप में डिफरेंट चीज थी. और मैंने भी फर्स्ट टाइम यू नो मतलब मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी मूर्ति बना सकती हूँ, वो भी गणेश जी की. और बच्चों को तो आया ही ऑब्वियसली, और बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा, सभी बच्चों ने. और सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली बार लैंगली में ये इवेंट हुआ था और इसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया. काफ़ी लोग आए थे, मतलब अनएक्सपेक्टेडली बहुत लोग आ गए थे. तो थैंकफुली सामान कम नहीं पड़ा. जैसे मैंने आपको बताया कि जितने लोग एक्सपेक्ट किए गए थे उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया. अपने संडे के दिन टाइम निकाला, ये बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर. और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कुछ लोग लेट भी आए थे, मतलब अपना टाइम निकाल के, या उनको लेट पता चला था, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम पर अपनी गणेश जी की मूर्ति तैयार कर ली. क्योंकि यहाँ पर सिखाया जाता है कि आपको खुद आगे नहीं बढ़ना है, आपको अपने साथ मतलब अपने साथियों की हेल्प करनी है. तो बच्चे भी ये चीज़ सीख रहे, तो उनको अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ये देखते हुए कि बच्चे ये अच्छी चीज़ सीख रहे हैं कि एक दूसरे की हेल्प करनी है. एंड थैंक्स अ लॉट टू HSS हिंदू स्वयंसेवक संघ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, हमारे बच्चों को ये मौका दिया. और आगे भी बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द गरबा वर्कशॉप. एंड थैंक्स अ लॉट टू यू ऑल्सो माई व्यूअर्स, और ऐसे ही प्यार देते रहिए. आगे भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है. और जो लोग इंडिया से कनाडा आने की सोच रहे हैं, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे कनाडा में. चाहे आप लैंगली रहते हो, सरी रहते हो, या कहीं भी आसपास रहते हो, हर जगह आपको इस तरीके की इवेंट्स या वर्कशॉप्स ईजिली मिल जाएंगी. एंड सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.